सपोज करो आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक रॉड गिवन है, थिन रॉड गिवन है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इमेजिन करो एग्जाम्पल, और ये फिगर क्या है, थिन रॉड है, ठीक है, ये थिन रॉड है। थिन रॉड की लेंथ क्या है, एल है। लैम्डा इसमें कांस्टेंट गिवन है, चलो मान लो कांस्टेंट की वैल्यू के है, कुछ भी के कांस्टेंट है, ठीक है, गिवन है ये। और मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका रॉड का मास निकालना है। जब मैंने ये बोल दिया कि लैम्डा कांस्टेंट है तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, तो मास की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लैम्डा इज मास अपॉन लेंथ, तो यहाँ से मास इज लैम्डा इंटू लेंथ, तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा की जगह के इंटू एल इज द आंसर। डन, बिल्कुल सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन इमेजिन करो केस नंबर टू, आपके पास एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड में लैम्डा गिवन है, लेकिन लैम्डा जो गिवन है वो 3x गिवन है। अब 3x का मतलब क्या है, 3x का मतलब ये है कि अगर मान लो ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है तो ये x इज इक्वल टू l का पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू l का पॉइंट है, क्लियर है यहाँ तक। तो आपका जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू एक्स डिपेंडेंट है, जब एक्स जीरो है तो लैम्डा जीरो, फिर एक्स बढ़ता 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 गया, लैम्डा बढ़ता 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 गया, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी कम है पर यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस तरफ मास ज़्यादा है, इस तरफ मास कम है, कोई डाउट है इसमें। एक बात तो पक्की है, सेंटर ऑफ मास इसमें सेंटर ऑफ रॉड पे नहीं निकलेगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं निकलेगा, क्योंकि डेंसिटी राइट की तरफ ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास भी मिड पॉइंट से थोड़ा राइट की तरफ निकलेगा जहां ज्यादा मास पड़ा हुआ है, ठीक है। आने वाले टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यही कि बताओ सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, लेकिन चलो मैं सेंटर ऑफ मास नहीं पूछना चाहता, मैं सिंपली एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप इस रॉड का मुझे मास निकाल के दे सकते हैं। तो किसने कहा हाँ निकाल सकते हैं, मैंने कहा कैसे, वो कहता देखो एक काम करो, लैम्डा को लेंथ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दो, कितनी, 3x इंटू एल, राइट, आंसर आ गया, सही गलत, गलत, क्यों गलत, सर इसको इंटीग्रेट भी तो करेंगे जी। इसमें इंटीग्रेशन ही लगेगी, यही तो देखने की बात है, रीजन क्योंकि इसके अंदर यहां का मास कम है, यहां ज्यादा 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 ज्यादा, तो यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और लैम्डा जब डेंसिटी चेंज होती है तो मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपको टोटल मास निकालने के लिए क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ का मास dm कम है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, फिर ज़्यादा, टोटल मास निकालने के लिए इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो इसलिए गलती से ऐसा मत करना, जिन क्वेश्चंस के अंदर, जिन क्वेश्चंस में ऐसा गिवन है लैम्डा चेंज हो रहा है मत करना, तो फिर क्या करना, फिर लिखो इसके अंदर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेना, मान लो ये एलिमेंट ले लिया जिसकी थिकनेस कितनी है dx, तो एक एलिमेंट लें जिसकी थिकनेस कितनी है dx, ये आपके सामने, ये जो एलिमेंट आपने लिया ये कितनी दूरी पे लिया, ये आपने x दूरी पे लिया, और ये एलिमेंट dx का छोटा सा मास कितना है dm, क्योंकि हर एलिमेंट 0 से लेके एल तक जो चलेगा उसका मास डिफरेंट होगा, जो एलिमेंट स्टार्ट में होगा उसका मास अलग है, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, एंड तक बढ़ता जाएगा, और टोटल मास निकालने के लिए सारे डीएम को मुझे मिलाना पड़ेगा, मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं छोटा मास निकाल लूं डीएम, बोलो छोटा मास क्या है, डीएम, डीएम क्या होगा, लैम्डा इंटू डीएक्स, क्योंकि छोटी लेंथ है डीएक्स, एल तो बड़ी लेंथ है, सबसे छोटी लेंथ का पार्ट क्या होगा इसमें, डीएक्स, डीएक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, डीएम, कोई डाउट इसमें। अब क्योंकि लैम्डा की वैल्यू हर इंस्टेंट पर डिफरेंट है, मैं ये क्वेश्चन कहाँ पे कर रहा हूँ, एक्स डिस्टेंस पे कर रहा हूँ, जहाँ पर लैम्डा एक्स पे डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दूंगा 3x, क्लियर है यहाँ पर, क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो लैम्डा की वैल्यू एक्स पे डिपेंडेंट है,
तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि ये दूरी कहाँ कितनी है, एक्स दूरी है, तो एक्स दूरी पे लैम्डा इंटू एक्स। तो ये मेरे पास स्मॉल मास आ गया। अगर मैं टोटल मास निकालना चाहता हूँ तो फिर मैं दोनों तरफ से क्या करूँगा, इनकी इंटीग्रेशन। तो जब और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तुमने कितने मासेस को मिलाना है, तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक सभी मासेस को मिलाना है। तो एक्स की लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके एल तक, और मास की लिमिट जीरो से लेके एम तक। तो वन डी एम की इंटीग्रेशन एम आ जाएगी, थ्री इंटू एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू हो जाएगी, जीरो से लेके एल तक। तो मास इज इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर बाय टू इज द आंसर। तो टोटल मास रॉड का ये आएगा। समझ में आ रहा है कि मास कैसे निकलेगा। नहीं, एक्स है वहां, एक्स दूरी पे लिया, डी एक्स लेंथ है, एक्स दूरी पे लिया, डी एक्स का छोटी सी लेंथ का छोटा सा मास डी एम है, तो वो छोटा सा मास लैम्डा इंटू छोटी सी लेंथ है, छोटी लेंथ है, छोटा मास है, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करके टोटल मास निकाल दिया। क्योंकि मुझे यहां से लेके ये डीएम भी चाहिए, मुझे ये डीएम भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, जीरो, और आखिरी एलिमेंट में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, तो एक्स की लिमिट लगती है ना, तो जीरो से लेके एल, एक्स इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इक्वल टू एल तक की लिमिट लगेगी, तो सारी इंटीग्रेशन इसमें कवर हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि टोटल मास कैसे है? मतलब अगर आपकी डेंसिटी चेंज होती है तो बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर भी मत देना, पक्का गलत हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन के साथ ही करना, जो करना, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट सर, एक मिनट, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि मान लो आपके पास सपोज एक डिस्क है, मान लो एक डिस्क है, डिस्क में सिग्मा कांस्टेंट है, सरफेस मास डेंसिटी कांस्टेंट है, डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है, तो बोलो डिस्क का मास क्या होगा, सिग्मा को डिस्क के एरिया से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा इसका मास आ जाएगा आंसर। और वो मास कहां पर पाया जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे, इसके सेंटर पे पाया जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है ना, पर हम यहां सिग्मा कांस्टेंट की बात ही नहीं करना चाहते, वो तो मैं आ गया करना। अब सिग्मा अगर चेंज होगा फिर क्या करें, बात तो ये है राइट, सिग्मा चेंज हो गया फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन है। करें तो इसी के अंदर, अगर मान लो फिर से एक डिस्क है ये लो, और इस बार सिग्मा की वैल्यू मान लेते हैं 4x है, या चलो 4r है, छोटा r है, तो सेंटर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सिग्मा बढ़ता जाएगा, ठीक है, और लास्ट वैल्यू इसका जो रेडियस है, रेडियस है डिस्क का, वो कैपिटल आर है, तो ये डिस्क है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। तो इसमें मुझे क्या निकालना है, मुझे इस डिस्क का मास निकालना है क्या होगा, ठीक, तो मुझे इसमें मास निकालना है, तो फाइंड मास ऑफ डिस्क। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सिग्मा नॉन यूनिफॉर्म है, सिग्मा की वैल्यू मान लो ये स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, और लास्ट वैल्यू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर का पॉइंट है, जीरो से कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू जीरो से कैपिटल आर है, तो यहाँ से यहाँ तक सिग्मा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हर तरफ बढ़ती जा रही है, तुम सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रहे हो, सिग्मा बढ़ता जा रहा है, सिग्मा बढ़ने का मतलब मास बढ़ता जा रहा है, और अगर मास बढ़ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, आपको बताना है टोटल मास कितना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक?
अब एक बात तो पक्की है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। टोटल मास तो निकलेगा नहीं, पहले छोटा मास निकलेगा डीएम, फिर अगला डीएम, फिर अगला डीएम, फिर अगला डीएम, फिर आंसर आएगा। वो छोटा मास मैं लूँ किसका, कुछ भी रैंडमली डीएम ले लूँ, फिर इंटीग्रेट कैसे करूँ, क्या लूँ, छोटा रिंग, रिंग नहीं। इसके लिए एक काम करना पड़ता है, जो रॉड है ना वो किसकी बनी हुई है, स्मॉल लेंथ dx से, dx 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 मिला के l बनता है, उस dx स्मॉल पोर्शन को एलिमेंट्री पोर्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री पोर्शन वो पोर्शन है जिससे कि कोई फिगर बनी होती है, तो dx 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 उसका एलिमेंट्री पोर्शन है। इस डिस्क को कैसे बनाया जा सकता है, कंसेंट्रिक रिंग से। आप एक काम करें, एक रिंग लें, एक रिंग लें, अंदर से खाली पड़ी है, रिंग के अंदर एक छोटी रिंग लें और कुछ ऐसे, एक रिंग लें, एक और छोटी रिंग लें जो इसके अंदर फिट कर दें, चिपका दें इसके साथ ऐसे, एक और छोटी रिंग लें जो इसके साथ फिट कर दें, एक और छोटी रिंग लें जो और अंदर की तरफ फिट कर दें, करते जाएं, चिपकाते जाएं, अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, एक डिस्क तैयार हो जाएगी। तो डिस्क किससे बनी हुई है, बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग से बनी हुई है ऑफ अनइक्वल रेडियस, क्लियर है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस डिस्क में से कोई भी एक रिंग ले लूंगा, कोई भी एक रिंग, उस रिंग का मास डीएम है, हर रिंग का मास डिफरेंट होगा क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है, तो मैं एक रिंग का मास निकाल देता हूं स्मॉल और फिर इंटीग्रेट करके सभी रिंग्स के मास को मिला देता हूं और टोटल डिस्क का मास आ जाएगा। तो इसके लिए मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को कोई भी एक रिंग कंसिडर करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं, ये लो। तो एक रिंग कंसिडर कर ली मैंने, मान लो ये एक रिंग है, तो ये एक जो रिंग है ये मैंने एक रिंग कंसिडर की, एक ही रिंग है, एक रिंग कंसिडर की ऑफ रेडियस स्मॉल आर, कोई भी आर्बिट्री रेडियस मैंने क्या मान लिया, स्मॉल आर। अब हर रिंग का रेडियस डिफरेंट है, तो मैंने स्मॉल आर रेडियस की रिंग मान ली क्योंकि सिग्मा स्मॉल आर के साथ चेंज हो रहा है। अगर सिग्मा 4x होता फिर मैं x लेंथ की रेडियस की रिंग लेता, इसके साथ मैच करवाना है। क्यों मैच करवाना है, क्योंकि इस रिंग के लिए सिग्मा क्या है, 4 इंटू स्मॉल r, तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है, छोटा r वेरिएबल है, ले लिया। इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस है ये वाली थिकनेस, इमेजिन कर लो वो थिकनेस कितनी है, डी आर। तो लिख लो स्मॉल जो रेडियस है वो r है और थिकनेस डी आर है, ठीक। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या आप मुझे इस रिंग, ये जो शेडेड रिंग है, थिकनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि थोड़ी सी थिकनेस होगी तभी तो डिस्क बनेगी चिपका चिपका के, तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन लिया क्या आप इसका मास निकाल सकते हैं डीएम, तो आपने कहा हाँ निकाल सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रिंग पुट कर दें। तो अगर मैं सिग्मा को एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास मास किसका आ जाएगा, रिंग का मास आ जाएगा। तो सिग्मा का मतलब क्या है, मास अपॉन एरिया। तो रिंग डिस्क के सामने रिंग एक छोटा सा पोर्शन है, तो रिंग का मास डीएम है और सभी रिंग का मास मिला के मास ऑफ डिस्क बन जाएगा एम, सही है। तो एक पहले रिंग का मास निकाल लें, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ रिंग चाहिए, बोलो एरिया ऑफ रिंग क्या है। ओके मैं साइड पे लिख लूँ, बोलो एरिया ऑफ रिंग आप बता रहे हैं मुझे, हाँ बोलो एरिया ऑफ रिंग, बोलो कैसे, पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही है ना, आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर रिंग का एरिया, इनर रिंग का रेडियस आर है तो आउटर का क्या है, आर प्लस डी आर, भाई आर तो इनर का है ना, थिकनेस भी ऐड करोगे तभी तो आर प्लस डी आर बनेगी, सही है। तो आपके पास एरिया की वैल्यू आएगी पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस टू आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करें, टू पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसल, डी आर इज वेरी स्मॉल, डी आर का स्क्वायर के साथ कैलकुलेशन कभी नहीं की जाती,
डी आर का स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली क्या पुट कर देना है, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, टू पाई आर इंटू डी आर, चेक कर लो, यही आ रहा है एरिया ऑफ रिंग, टू पाई आर इंटू डी आर। मैथ्स लगाया है, कोई फिजिक्स थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं, कोई ये तो मैथ्स में आप करते ही हैं, आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर रिंग का एरिया, और डी आर का स्क्वायर निगलेक्ट कर दिया, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, छोड़ दो। तो आज के बाद अगर रिंग का एरिया ऐसे निकालना हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, शॉर्टकट है, शॉर्टकट है सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। भाई जो रिंग है उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, टू पाई आर, और थिकनेस क्या है, डी आर। सर्कमफ्रेंस को थिकनेस से मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाएगा उसका, शॉर्टकट है। तो हम फिजिक्स में ऐसा कुछ करने वाले हैं नहीं, मैथ्स लगा के सीधा शॉर्टकट मारेंगे, टू पाई आर इंटू डी आर। ये है आपका डीएम, याद रहेगा सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो आज के बाद वो नहीं करना, सीधा सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस डन। तो लो रिंग का मास आ गया, हमने तो डिस्क का निकालना है, तो डिस्क का मास निकालने के लिए क्या करें, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, टू पाई सिग्मा इंटू आर इंटू डी आर। लेकिन सिग्मा की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी, कितनी है सिग्मा की वैल्यू इसमें, फोर आर आर डी आर, ऐसे फोर आर पुट करना पड़ेगा। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, टू पाई इंटू फोर भी बाहर आ गया, क्या बचा, आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से एम तक। जीरो से कैपिटल आर क्यों, क्योंकि पहली जो रिंग है उसका रेडियस क्या रहेगा, डॉट है, पहली रिंग तो डॉट ही बनेगी, स्मॉल आर रेडियस है। आर इज इक्वल टू जीरो से लेके आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, तो लिमिट लगा दें, तो यहाँ से मास की वैल्यू आएगी 8 पाई इंटू, इंटीग्रेट करें आर क्यूब बाई थ्री, दिस इज द आंसर, मास आ गया। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें, हालांकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, रेयर है। नॉन मेडिकल को हाँ यूज़ करना पड़ सकता है पी वाई क्यू में, बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मेडिकल में डाउट है, बहुत बड़ा नहीं यूज़ करना पड़ता। एन सी आर टी में नो है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एन सी आर टी में आती नहीं है, बात ही क्लोज है, मतलब वो तो बंद ही कर देते हैं, वो तो कराना ही नहीं, सिर्फ सिग्मा कॉन्स्टेंट का काम करना है। लेकिन कॉम्पिटिशन पी वाई क्यू में नॉन यूनिफॉर्म आती है, बहुत आती है। तो मैं आपको इस टेक्निक सिखा रहा हूँ, मैं ये कोई ये नहीं है कि आपके स्कूल में कोई पूछने वाला है ये क्वेश्चन, कोई ना पूछेगा आपसे, पर आपको पता होना चाहिए कि कब मास इंटीग्रेशन से निकलेगा और कब नहीं निकलेगा। और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं है, प्लस टू के अंदर ऐसे आम क्वेश्चन है, आम ऐसे करना, हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें सॉलिड या डिस्क के ऊपर चार्ज निकालना होता है, इसी टेक्निक से निकलता है। तो मैं प्लस टू के अंदर बहुत अच्छा लगेगा, जब प्लस टू जाएगी ईजी लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मास डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप आ जाती है। ऐसा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, सही है? एरिया में ये किया ना, आउटर एरिया डिस्क इस रिंग का पाई आर प्लस डी आर का स्क्वायर माइनस इनर पाई आर स्क्वायर, माइनस करके ओपन कर लिया। डी आर इज वेरी वेरी स्मॉल, इससे छोटा तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अब छोटे का अब कितना डी आर कितना होता है, पॉइंट जीरो 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 जीरो, खत्म ही नहीं होएगा वो, तो उसका स्क्वायर तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। हम तो डी आर से परेशान थे, डी आर का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा है, छोड़ दो कहते हैं, करना ही नहीं है, इसे छोड़ दिया जाता है। डी आर स्क्वायर डी आर क्यू में कैलकुलेशन नहीं की जाती, सिर्फ डी आर में की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में या वैसे अगर पूछ लिया जाए कि सपोज ये एक वॉल्यूम है, मींस ये लिखो एक सॉलिड स्फीयर है, जब मैं लिखता हूँ सॉलिड स्फीयर है तो मास इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर इट्स वॉल्यूम, ये रहा, तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स वॉल्यूम। और अगर मैं लिखता हूँ रो इज कॉन्स्टेंट, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या आप इसका मास निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे रो इंटू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब आंसर, आप कहेंगे ठीक है निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रो कॉन्स्टेंट है फिर तो इंटीग्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, बात ही खत्म।
ठीक है, और ऑब्वियसली मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछूंगा, अब मैं रो को क्या करूंगा, चेंज। तो मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि सपोज करो आपके पास ये एक फिर से एक सॉलिड स्फेयर है, इस सॉलिड स्फेयर का रो इज मान लो 4r, मतलब रो इज चेंजिंग विद स्मॉल r। तो ये जो पॉइंट है ये स्मॉल r इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है और ये स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल r का पॉइंट है, सॉलिड स्फेयर का रेडियस कैपिटल r है और रो इज चेंजिंग विद डिस्टेंस। तो अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, क्या होगा? तो आपको मास निकालना है इस सॉलिड स्फेयर का, क्या है ये क्वेश्चन है। सही है, तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको इसमें मास निकालना है। अब सीधा निकलेगा ही नहीं, रो चेंज हो रहा है तो अपने को इसका एलिमेंट्री पोर्शन लेना पड़ेगा। अब ये बताओ कि सॉलिड स्फेयर किसका बना हुआ है, हॉलो शेल्स, हाँ हॉलो स्फेयर का, राइट। सॉलिड स्फेयर हॉलो स्फेयर का बना हुआ है, एक हॉलो स्फेयर लें उसमें टाइटली एक उसके छोटा सा साइज का एक हॉलो स्फेयर पैक कर दें, फिर एक हॉलो स्फेयर कर दें, हॉलो स्फेयर करते 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 डॉट तक आ जाएं, भर जाएगा, चिपका दें, सॉलिड स्फेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर मेरे को इसका मास निकालना है तो मेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक हॉलो स्फेयर लेना पड़ेगा। ये एक हॉलो स्फेयर है जिसका एलिमेंट्री पोर्शन है, तो मैंने एक आर्बिट्ररी कोई भी स्मॉल आर डिस्टेंस का एक हॉलो स्फेयर कंसिडर कर लिया, ये लो, और जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर, थिकनेस डी आर है और रेडियस कोई भी आर्बिट्ररी इसका कितना ले लिया, छोटा आर, तो छोटा आर और थिकनेस इसकी डी आर है। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मास किसका निकलेगा, हॉलो स्फेयर का। तो इसका मास निकालने हॉलो स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का मास है डीएम, जो कि क्या होगा, रो इंटू हॉलो स्फेयर के वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल मास आ जाएगा। सही है, मतलब स्फेयर का वॉल्यूम से मास मल्टीप्लाई करूंगा तो उस ग्रीन कलर के स्फेयर का मास आ जाएगा। फिर सभी शेल्स, इसको शेल बोलते हैं, हॉलो स्फेयर को शेल बोलते हैं, सभी शेल्स के मास को ऐड करके सॉलिड स्फेयर का मास आ जाएगा। तब ये बताओ इसका वॉल्यूम क्या है, इस घरे पोर्शन का वॉल्यूम क्या है। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, तो ये शेडेड वॉल्यूम निकालेंगे, शेडेड वॉल्यूम निकाल लेंगे, CSA इनटू DR। हम बता एक मिनट, इसका वॉल्यूम क्या आएगा बता देता हूँ, 4/3 πr + dr³ - 4/3 πr³। ये बात समझ में आती है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम आएगा। इसको तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करें करें अगर अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट लिख लेते हैं, शॉर्टकट यूज करेंगे, 4πr² dr, मतलब एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, सीधा शॉर्टकट। मैं इसको अगर सॉल्व किया जाए, निगलेक्ट किया जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, हमने नहीं करना मैथ्स का काम, हमने नहीं करना, सीधा शॉर्टकट है एरिया इंटू थिकनेस। याद है पहले फॉर्मूला क्या शॉर्टकट मारा था, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस एरिया, इसमें एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम निकालने का तरीका है, ये शेडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला नोट कर लें, 4πr² dr। क्लियर है यहाँ तक? तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, dm will be equal to rho into 4πr² सर, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। dm इज इक्वल टू रो, रो की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 4r, 4πr² dr। dm विल बी इक्वल टू 16πr³ dr, और अगर मैं दोनों तरफ से इंटीग्रेशन यूज करूं तो आपके पास टोटल मास आ जाएगा m, जो कि 16πr⁴/4, 4 और 16 कट गया, 4πr⁴ इज द आंसर, आंसर मतलब ऐसे करके मास आएगा। ये बहुत रेयर सिचुएशंस हैं, आप प्लीज टेंस ना हो जाएं कि यार अब ऐसा इस लेवल की फिजिक्स आएगी, नहीं आएगी, लेकिन नॉन मेडिकल वालों को कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन
आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, उनके लिए आम बात है। मेडिकल मुझे लगता नहीं है और एनसीईआरटी तो बिल्कुल नो है, मतलब ही नहीं है, ठीक है, पर टेक्निक आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं यूज़ तो हो ही जाती है।